धामी की विधानसभा चंपावत में भव्य झांकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव शुरू हो गया है। उद्घाटन मौके पर महिलाओं एवं छात्राओं ने आकर्षक पारंपरिक कुमायूनी परिधानों में सज धज कर GGIC से आयोजन स्थल गोरल चौड़ मैदान तक भव्य कलश यात्रा झांकी निकाली। सांसद लोकसभा अजय टमटा ने वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। साथ ही सूचना विभाग ने पंजीकृत जय भूमसेन थारू उत्थान समिति बनबसा एवं जय गोलजू जन्मभूमि सांस्कृतिक केंद्र चंपावत द्वारा मनमोहक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सांसद टमटा ने कहा कि गोरल महोत्सव के आयोजन को हमारी संस्कृति को संरक्षण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ लोगों स्कूली बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने हेतु एक मंच प्राप्त होगा। इस भव्य आयोजन से लोगों को अपनी विभिन्न प्रकार की परंपरा एवं संस्कृति देखने का भी अवसर मिलेगा। गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को भी विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। और मंच पे आने के कारण से बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पर अपने प्रतिभावान लोगों को भी आगे निखारने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। आने वाले समय के अंदर जो विकास की मुख्य धारा है, वो भी विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों के नाते से यहाँ पहुँचने से उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक मंच की आवश्यकता है। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष विजय वर्मा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। 10 दिवसीय मेले के आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए सभी से सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सहयोग प्रदान करने की अपील की। वर्मा ने कहा, महोत्सव में छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं तथा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गोलजू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। यह 10 दिनी महोत्सव है। 22 तारीख से 25 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 22 तारीख से 2 तारीख तक ये मेला इसी प्रकार चलता रहेगा। आज माननीय सांसद अजय टमटा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें और रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। इसमें 8 बजे से 10 बजे तक बाहरी दलों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए जाएंगे और उससे पूर्व यहाँ के लोकल दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। वही महोत्सव में बाहर से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महारा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, समस्त पालिका सभासद, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्याम नारायण पांडे, नरेंद्र लंडवाल, विभिन्न प्रतिनिधि, नगर अध्यक्ष भाजपा कैलाश अधिकारी, वरिष्ठ जन, गणमान्य नागरिक एवं स्कूली बच्चे आदि उपस्थित रहे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। UP News 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की एक खास रिपोर्ट।